विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। बजट सत्र के पहले दिन हुए राज्यपाल के साथ अभद्र व्यवहार के मामले को लेकर कांग्रेस के 5 विधायक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं, जिनकी बहाली को लेकर कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पॉइंट ऑर्डर के तहत सदन में प्रस्ताव लाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक निलंबन वापस नहीं लिया जा सकता है। इस पर विपक्ष के विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू की और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और आशा कुमार ने कहा कि विधानसभा बजट सत्र के राज्यपाल के साथ जो व्यवहार किया गया, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसलिए राज्यपाल से सरकार को माफी मांगनी चाहिए, न कि कांग्रेस के विधायक को। सरकार सदन की कार्यवाही को शांतिप्रिय ढंग से चलाना नहीं चाहती है, इसलिए केवल एक तरफा कांग्रेस के विधायकों पर कार्यवाही की गई है, जबकि पूरे घटनाक्रम के लिए सरकार के मंत्री, विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने तनावपूर्ण माहौल तैयार किया, इसलिए उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए थी। कांग्रेस विधायक राज्यपाल से माफी मांगने पर भी विचार करेगा, लेकिन गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार पहल करे। मैं आपसे जानना चाहेंगे, नोकझोंक काफी हुई, बहस बहुत हुई, आपने भी आपको खोया। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने और कुछ विधायकों ने ये कहा कि आप वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे थे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, ये चैलेंज कर रहा हूँ, एक फुटेज निकाल के दिखा दे मुझे जहाँ पे मैं जो है आगे जाकर या तो गवर्नर का रास्ता रोक रहा हूँ, यहाँ पे वहाँ पे कोई मैं गुंडागर्दी कर। आई वॉज नॉट देयर एट ऑल। मैं बिल्कुल वहाँ पे उस जब वो सारा चीज़ें हो रही थी, मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था। तो ये विपक्ष सरकार का ये कहना, सरकार के विधायकों का ये कहना कि आप गुंडागर्दी कर रहे थे, दैट वॉज समथिंग विच इज़ नॉट राइट, और उस पर विरोध करना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने अंदर हाउस के अंदर विरोध किया। दूसरी बात, जो डिप्टी स्पीकर है हंसराज जी, जब हम वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वहाँ पे तू तड़ाक पे आ गए। तो आई टोल्ड हिम कि ये विधानसभा है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बट वी आर सिविलाइज्ड पीपल, हम एक अच्छे परिवार से आते हैं, तू तड़ाक का लैंग्वेज ना मुझे अच्छी लगती है ना किसी और को अच्छी लगेगी, उसका इस्तेमाल ना करें। उस पर वो वहाँ पे भड़क गए और बिना मतलब का अपशब्द कहने लग गए, तो उस पर मैंने अपना जो है विरोध किया। और टोटैलिटी में देखा जाए, जैसा आशा कुमारी जी ने हाउस के अंदर भी कहा कि जो आपने पहले तो हाउस कॉल किया, हाउस कॉल करने का जो रूल्स थे, प्रोसीजर्स थे, वही सही नहीं थे। तो जो सारा का सारा जो प्रोसेस था वो ही इलीगल है। क्यों? क्योंकि हमको तो इसके बारे में कोई मैसेज आया ही नहीं। कई लोगों को जो टेक्स्ट मैसेज आई भी, वो हाउस कन्वीन होने से करीबन 4 मिनट पहले के मैसेज है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट इन अ हिली टेरेन ऑफ हिमाचल प्रदेश कि 4 मिनट में कोई आदमी जो है अपने इलाके से यहाँ पे वापस शिमला में और विधानसभा पहुँच जाएगा, विच वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, पहली बात। और दूसरी बात, आपने यूनिलैटरल डिसीजन लिया, आपने मुख्यमंत्री जी ने भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हाउस में कहा कि हमारे पास इसकी फुटेज है। आप फुटेज देखेंगे, फुटेज में सबसे ज़्यादा अगर किसी का शक्ल दिख रही है तो वो तो बाउंसर और बॉडी बिल्डर हंसराज की दिख रही है। अगर उनकी सबसे ज़्यादा फुटेज दिख रही है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, तो अगर आपने एक्शन मुकेश अग्निहोत्री जी पे लिया है या और विधायकों के ऊपर लिया है, देन दैट एक्शन शुड हैव ऑल्सो बीन एप्लीकेबल ऑन दी डिप्टी स्पीकर। वाई वॉजेंट द एक्शन टेकन ऑन हिम? दैट इज़ वॉट वी आर आस्किंग। या तो आप सस्पेंशन को रिवोक करिए, अगर नहीं करना है वी विल फाइट इट आउट, बट इन द इंटरिम पीरियड यू ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट द डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभिभाषण के दिन हमारे विधायकों के साथ गुंडागर्दी की गई और उसके बाद स्पेशल हाउस बुलाकर जो निष्कासन किया गया उसमें कार्रवाई एक तरफा हुई है। हम निश्चित तौर पर ये मांग करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंदर जो भाषण दिया जिसमें कहा कि लड़ना है तो हमसे लड़ो, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखने आए हैं। महंगाई आसमान छू रही है, कोरोना काल में जो राजीव बिंदल जी को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण, उन मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। यही नहीं, किसान विरोधी पूरा आंदोलन हो रहा, उन मुद्दों पर चर्चा करने आया। हमारा पार्टी का एक ही मकसद है, पूरी विधायक दल कांग्रेस पार्टी जो अनुचित फैसला 5 विधायक जो हमारे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी, सुंदर ठाकुर जी, हर्षवर्धन चौहान जी, विनय कुमार जी, सतपाल रायजादा जी, इन 5ों का निष्कासन रद्द किया जाए। और मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अंदर आके कि अगर लड़ना है तो हमसे लड़ना। जो घटना घटी है, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, माननीय हमारे सभी नेताओं ने कहा कि ये दुखद घटना है।
पर इसमें दोषी कौन है उन लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। एक बात बिल्कुल साफ कही गई, मांगने पांचवी मांगने किस चीज की माफी मांगनी है? माफी किस चीज की मांगनी है? सरकार की गलतियों की माफी मांगनी है। सरकार अभी भी बोल रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव ऐसे ही पढ़ा जाता है, हम विश्वास ही नहीं लेंगे विपक्ष को। बोला मुख्यमंत्री मोदी ने अपने भाषण में, बोला कि जब हमारा अभिभाषण था ऐसे कई राज्यों में होता है। ठीक है, कई राज्यों में होता है, लेकिन जब भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है कि मुख्य गवर्नर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तकरीबन वो पहली चार लाइनें पढ़ेंगे और अंतिम दो लाइनें पढ़ेंगे। उन दो लाइनें पढ़ने के बाद उस भाषण को खत्म कर दिया जाता, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो धक्के दिए गए मार्शल और उनके द्वारा, किसी ने गलत करने की मंशा ही नहीं थी, इंटेंट ही नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर कार्य कर रही है कि हम जो करेंगे वो सही है, जो कांग्रेस पार्टी सही भी करेगी उसको गलत ठहराना ये उनकी मंशा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल कांग्रेस लीडरशिप सब जगह जाएगी, लेकिन हमारा निष्कासन पहले रद्द हो। पीआरटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।